नरेंद्र मोदी इस मुल्क में तारीख लिखना चाहते हैं। क्या तारीख लिखना चाहते हैं कि मैंने इस देश को गांधी अंबेडकर के देश को मैंने हिंदू राष्ट्र बना दिया। राजा अजमेरी के आस्थाने पर चादर बिछाइए, मगर आप जो चादर मुझसे छीनना चाह रहे हैं, मेरी मस्जिद है, आप हर मस्जिद को छीनना चाहते हैं। 22 जनवरी की बुनियाद 6 दिसंबर 92 को रखी गई, 22 जनवरी की बुनियाद 86 में ताले खोलकर रखी गई, 22 जनवरी की बुनियाद जीबी पंत ने रखी थी, इसीलिए तारीखी दिन है। आज मुल्क के 17 करोड़ मुसलमान भारत के वजीर आजम पर एतमाद भरोसा नहीं करते। 600 साल की मेहरौली की मस्जिद पर बगैर को नोटिस दिए आपने डिमोलिश कर दिया। 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर क्यों नहीं बोलते आप लोग? आप उस पर कायम है नहीं है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मैं अपने बचपने में जब हिस्ट्री पढ़ता था तो मैंने एक स्टैचू की फोटो देखी थी, प्रीस्ट किंग ऑफ मोहनजोदारो। ऐसा लगता है कि वैसा ही लग रहा है कि प्रधानमंत्री नहीं है बल्कि पुजारी सम्राट बन चुके हैं वो। और मैं क्यों कह रहा हूं कि हमारे सदर जमहूरिया ने कहा था कि 22 जनवरी एक तारीखी दिन है, बिल्कुल तारीखी दिन है। 22 जनवरी की बुनियाद 6 दिसंबर 92 को रखी गई, 22 जनवरी की बुनियाद 86 में ताले खोलकर रखी गई, 22 जनवरी की बुनियाद जीबी पंत ने रखी थी, इसीलिए तारीखी दिन है। और तारीखी दिन इसलिए भी है कि सर इसी ऐवान में 16 दिसंबर 1992 को हमने रेजोल्यूशन पास किया था। आप बताइए कि आज इस मुल्क में चाहे कोई सेकुलर पार्टी का हो या जो भी हो, माने सब सेकुलर है, बुरा मैं हूं, किसी में हिम्मत नहीं है कि 6 दिसंबर की बात की जाए। और वो तारीखी दिन इसलिए भी है, सर इंसाफ करने वालों में एक एनसीएलटी के चेयरमैन, एक गवर्नर और एक नामजद शुदा रुकने पार्लियामेंट बैठे हुए थे। अब आप बताइए मेरे पास बचा क्या है? बचा यह है कि आर्टिकल 32 बचा है जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। आज मुल्क के 17 करोड़ मुसलमान भारत के वजीर आजम पर एतमाद भरोसा नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, बता रहा हूं, खुल के कह रहा हूं। अगर आप आर्टिकल 32 का ड्यू प्रोसेस ही खत्म कर देंगे तो फिर मेरे पास क्या बचेगा सर? क्या बचेगा? मैं तो यहां खड़े होकर वो सुप्रीम कोर्ट के मायानाज बेबाक वकील दुष्यंत दवे की तरह तो नहीं कह सकता। मुझे आज भी रूल ऑफ लॉ में भरोसा है, मुझे आज भी कानून पर, संविधान पर भरोसा है, मगर ड्यू प्रोसेस तो फॉलो होना चाहिए, ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं हो रहा। एक तारीखी दिन 22 जनवरी था, एक तारीखी दिन 31 जनवरी था। सर रात के अंधेरे में अपील किए बगैर आप आरे लेकर रास्ता खोल देते हैं, क्या पैगाम दे रहे हैं सर? 600 साल की मेहरौली की मस्जिद को बगैर को नोटिस दिए आपने डिमोलिश कर दिया। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार भारत के मुसलमानों से उनकी शनाख्त को छीनना चाहते हैं। राजा अजमेरी के आस्थाने पर चादर बिछाइए, मगर आप जो चादर मुझसे छीनना चाह रहे हैं, मेरी मस्जिद है, आप हर मस्जिद को छीनना चाहते हैं। आप बताइए 17 करोड़ मुसलमानों को क्या पैगाम दे रहे हैं आप कि आप हर मस्जिद को छीन लेंगे मुझसे? फिर मेरा वजूद किस माने रखता है? मेरा शनाख्त क्या माने रखता है? रूल ऑफ लॉ क्या माने? अच्छा 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर क्यों नहीं बोलते आप लोग? आप उस पर कायम है नहीं है। आप 500 साल की बात करते, मैं आपसे कहता हूं भाई 500 साल पे मत जाइए, बोध पे जाइए, जैनिज्म पे जाइए, शैविज्म पे जाइए, कहां रुकेंगे? अरे इस देश को आजादी मिली 47 में, संविधान मिला हमको बाबा साहब अंबेडकर का, बराबरी का, उससे पहले तो राजा रजवाड़े थे, जमहूरियत नहीं थी, लोकतंत्र नहीं था, मगर आप उसको उस बारे में लेके जाते, अरे 500 साल आगे क्या होगा बताइए? आप किसी एक सिविलाइजेशन, सर अंग्रेजी में किसी ने कहा था सिविलाइजेशन कैनॉट बी रिटन बाई हेट्रेड, हिस्ट्री कैनॉट बी करेक्टेड बाई डेमोलिशन, आप ये नहीं कर सकते। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब मौर्य तारीख लिखेगा, नरेंद्र मोदी इस मुल्क में तारीख लिखना चाहते हैं, क्या तारीख लिखना चाहते हैं कि मैंने इस देश को गांधी अंबेडकर के देश को मैंने हिंदू राष्ट्र बना दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे भारत के हमारे हिंदू भाई देश के प्रधानमंत्री की सोच को नाकाम करेंगे, उन पर है, अब देखते हैं क्या होता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।